आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस फाइनल मुकाबले के दौरान मौसम पर भी सबकी निगाहें होंगी। एक्यूवेदर के मुताबिक अहमदाबाद में रविवार शाम बारिश की 40% संभावना है। अहमदाबाद शहर में लगभग 2 घंटे छिटपुट बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही शाम को सूर्यास्त के बाद बारिश होने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि रविवार को बहुत अधिक बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में काफी हद तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जरूर है। आईपीएल 2022 के फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया था, लेकिन इस बार फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, इसलिए आईपीएल 2023 के विजेता का फैसला मैच के दिन ही होगा। फाइनल मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होनी है। ऐसे में अगर बारिश आती है तो 9:40 तक खेल शुरू होने की स्थिति में ओवर्स में कोई कटौती नहीं की जाएगी। इसके बाद भी यदि मौसम धोखा देता है तो 5-5 ओवर के लिए मुकाबले के लिए कट ऑफ टाइम 11:56 तक होगा। हालांकि 11:56 तक खेल नहीं शुरू होता है तो सुपर ओवर का विकल्प प्रयोग में लाया जाएगा। अगर मुकाबले में बारिश के चलते सुपर ओवर का प्रयोग भी नहीं हो पाया और मैच में एक भी बॉल नहीं फेंकी गई, तो गुजरात टाइटंस की टीम खिताब जीत जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही थी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरा स्थान हासिल किया था। आईपीएल प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक फाइनल एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 मैच यदि टाई रहता है या कोई नतीजा नहीं निकलता तो ये नियम लागू होंगे। इसमें टीमें सुपर ओवर में एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। जब फाइनल में विजेता तय करना हो तब ऐसा किया जाएगा। अगर मैच में सुपर ओवर भी नहीं हो पाता तो विनर का फैसला आईपीएल की प्लेइंग कंडीशंस के अपेंडिक्स एफ के मुताबिक लीग स्टेज में जो भी टीम पॉइंट टेबल में ऊपर रहती है उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा।